युवा कांग्रेस जो कि प्रदर्शन लगातार कर रही है, जो महंगाई लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है, इसको लेकर अब युवा कांग्रेस जो कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इन दामों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय का घेराव यहाँ पर किया, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, पेट्रोलियम मंत्रालय का घेराव किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो युवा कांग्रेस यहाँ पर पहुँचे, हाथों में झंडे लिए हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की गई और केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय का घेराव भी किया। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ गए हैं। तरुण, यहाँ पर युवा कांग्रेस वो सड़कों पर उतरी बढ़ती महंगाई के खिलाफ? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही ये प्रदर्शन खत्म हुआ है और पुलिस को भारी बल का इस्तेमाल करना पड़ा और कई सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, जैसे कि सीनियर स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत, आईवाईसी के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, अलका लांबा, कई हरियाणा के भी नेता इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे और सांकेतिक तौर पर कुछ अर्थनंग होकर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई के कारण देश का आम आदमी बदहाल हो चुका है। कई सांकेतिक तौर पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में सिलेंडर भी लिए हुए थे, तख्तियां ली हुई थी, जिसके अंदर केंद्रीय स्मृति मंत्री स्मृति ईरानी के लापता होने का दावा किया जा रहा था। दरअसल वो एक कटाक्षपूर्ण पोस्टर था जो ये जताने की कोशिश करता था कि यूपीए के वक्त में चंद पैसे भी जब दामों के अंदर वृद्धि होती थी एलपीजी के या पेट्रोल डीजल के, तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी और तब की केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाया करती थी। लेकिन अब जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, अब स्मृति ईरानी कुछ भी वक्तव्य अपना नहीं देती हैं, कुछ भी लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए उनका बयान सामने नहीं आता है। तो ये प्रदर्शन काफी उग्र था, लेकिन पुलिस को बहुत ज्यादा लाठीचार्ज जैसा या फिर वाटर कैनन जैसा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। कुछ एक खदेड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं को की गई और जो बड़े लीडर थे उनकी डिटेंशन के बाद अब शांतिपूर्ण यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बाहर, जो कि शास्त्री भवन में है, वहां पर हालात बने हुए हैं। जी तरुण, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।